đầu cầu đi mang chứ. इनके विरुद्ध ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई इन्होंने बिना नक्शा पास कराए हुए निर्माण किया है और इसके विरुद्ध प्राधिकरण ने 19 मार्च 2021 को चालान काटा था और उनको पर्याप्त सुनवाई का समय भी दिया था और उसके बाद हम लोगों ने 20 मई 2021 को उसका ध्वस्तीकरण आदेश पारित किया जिसका क्रियान्वयन आज लोग कर रहे हैं। इसका 450 स्क्वायर मीटर भूखंड क्षेत्रफल होगा जिसको 200 स्क्वायर मीटर में इन्होंने कवर्ड एरिया पर निर्माण किया है। ये एक मंजिला निर्माण है और इसकी लगभग कीमत 2 करोड़ रुपए होगी। इससे पहले भी हमने इनके भाई के विरुद्ध भी एक हफ्ते पहले ध्वस्तीकरण आदेश किया था। इनके मकान का जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, अरे दोनों ही अपराधी किस्म अपराधी लोग हैं और इनके विरुद्ध थाने में कई मामले पंजीकृत हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर लगातार गश्ते दिखाई दे रहा। गोरखपुर में यह तीसरी बार जीडीए द्वारा अवैध निर्मित मकानों को ध्वस्त किया जा रहा। हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए एसपीसीडी कृष्ण प्रसाद बिश्नोई जी हैं। किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? आज जनपद गोरखपुर के शासन चिन्हित माफिया विनोद उपाध्याय, जिस पर 50,000 का अभी इनाम भी है, और उनके गैंग के सदस्य हैं उनके भाई संजय उपाध्याय, जिन्होंने भी यहाँ पे जो एक सरकारी जमीन है कोल्ड स्टोरेज की, उस करोड़ों की जमीन पर कब्जा किया था और उस पर अवैध निर्माण करवा के 1 करोड़ का मकान भी बनाया था। आज जीडीए द्वारा नक्शा न होने के कारण इस आवास को तोड़ा जा रहा है, उसके साथ साथ इस सरकारी जमीन को भी इसका उनके कब्जे से मुक्त कराया जाएगा। संजय उपाध्याय पर रंगदारी एवं कुटरचित दस्तावेज बनाने के फर्जी दस्तावेज बनाने के कई संगीन मुकदमे दर्ज हैं। इसके भाई के ऊपर 33 मुकदमे दर्ज हैं, विभिन्न हत्या रंगदारी इस तरह के तमाम संगीन धाराओं में। दोनों भाई फरार हैं वर्तमान में और विधिक कार्रवाई की जा रही है। उसके साथ साथ जल्दी इन पर गैंगस्टर एक्ट के तहत भी इनकी सारी संपत्तियां चिन्हित कर दी गई है, उनको भी जब्त किया जाएगा। तो जिला प्रशासन का द्वारा लगातार दावा किया जा रहा है कि फरार अपराधियों पर नकेल कसने के लिए उनके अवैध संपत्तियों को भी जब्त किया जा रहा है, उनके साथ उनके ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ मुकेश कुमार, गोरखपुर।